जय भीम दोस्तों, भारत दस्तक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुजन समाज की कुछ खबरें जो बहुजन समाज के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से दलित सांसद सावित्रीबाई फुले ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा है कि भाजपा लोगों को बांटने का काम कर रही है। वह चाहे धर्म के नाम पर हो या जाति के नाम पर, भाजपा लोगों को बांट रही है, इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रही है। सावित्रीबाई फुले बहराइच से सांसद थी बीजेपी की टिकट पर। दोस्तों, कई बार सावित्रीबाई फुले ने बीजेपी को घेरा है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या फिर दलितों पे हो रहे अत्याचार के मामलों में सावित्रीबाई फुले ने कई बार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करी है। दोस्तों, उन्होंने कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ को, जो कि अभी उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन्हें आरक्षण विरोधी बताया था। दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है भीम आर्मी की तरफ से। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अब संसद में अगले लोकसभा चुनाव में दलितों का वर्चस्व कायम रहेगा। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा है कि दलित 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने समुदाय के कैंडिडेट को जिताकर संसद भेजकर अपना वर्चस्व कायम करेंगे और प्रधानमंत्री भी इसी समाज से होगा। शामली में पत्रकारों से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुजफ्फरनगर में दलित न केवल हनुमान मंदिर अपने हाथों में लेंगे, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने समुदाय के कैंडिडेट को जिताकर संसद में अपना वर्चस्व कायम करेंगे। साथ ही अगली खबर निकलकर आ रही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने एक बयान जारी किया है। मायावती जी ने हनुमान जी की जाति बताने वाले बयान को लेकर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। मायावती जी ने अपने बयान में कहा कि समाज को जातियों में बांटने की बात तो थी, परंतु अब देवी देवताओं को भी जातियों में बांटने की राजनीति शुरू हो गई है। मायावती जी ने आगे कहा है कि सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही बहुजन समाज के लिए उत्तर प्रदेश से। आप सभी को पता होगा कि 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के दिवस पर अंबेडकर छात्रावास के छात्र बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करने और पुष्प अर्पित करने गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां पर जाके देखा कि बाबा साहब की प्रतिमा के गेट के ऊपर ताला लगा हुआ है और बाबा साहब की प्रतिमा बैरिकेड के अंदर बंद रखी गई है। इसे देखकर वहां के छात्र भड़क उठे। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को ताले में बंद देखकर भारत के छात्रों ने ठान लिया कि अब वो किसी भी हालत में बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर माल्य अर्पण और पुष्प अर्पित करके ही रहेंगे। सभी छात्रों ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास लगे गेट को फांद कर अंदर घुस गए और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया और पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वहां पर छात्रों ने जय भीम के नारे भी लगाए। दोस्तों, ये खबर निकल कर आई थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से। दोस्तों, आखिरी में मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूँ। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम की जीवन पर आधारित फिल्म द ग्रेट लीडर कांशीराम 15 दिसंबर को यूट्यूब पर रिलीज होने वाली है। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्री अर्जुन सिंह जी है। दोस्तों, उन्होंने ये फिल्म बड़ी मेहनत से बनाई है। दोस्तों, इस फिल्म बनाने के कारण वो 5 साल से कर्जे में डूबे हुए हैं। तो दोस्तों, ये फिल्म यूट्यूब पर 15 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। दोस्तों, जिस चैनल पर ये रिलीज होगी, उस चैनल का नाम है अर्जुन सिंह फिल्म्स। तो मैं उस चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली 15 दिसंबर को वहां पर मूवी आने वाली है। दोस्तों, इस मूवी को बनाने के लिए अर्जुन सिंह जी ने काफी कर्ज लिया था और वो 5 साल से कर्ज में डूबे हुए हैं। अगर दोस्तों आप जाकर चैनल सब्सक्राइब करेंगे और मूवी को व्यू करेंगे तो दोस्तों उनको इससे थोड़ी मदद मिल सकती है। दोस्तों, इस मूवी में जितने भी कलाकार है सब बहुजन समाज से है और दोस्तों यह मूवी माननीय श्री कांशीराम जी के जीवन पर आधारित है। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन भी दबा दीजिएगा वहां पर जाके। और दोस्तों, चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, आप जितने भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उसके ऊपर। इससे ये होगा दोस्तों कि आपके फ्रेंड्स और परिवार के लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक है मैं 30 लाइक्स। दोस्तों, अगर आप बहुजन समाज से अपडेट रहना चाहते हैं और क्या क्या बहुजन समाज में चल रहा है सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में ही नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है उसे दबाकर हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाइए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।